वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 10 अक्टूबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का बरेली साथियों भारत का पहला जिला बना है स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला साथियों। अब उत्तर प्रदेश का बरेली है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य पीलभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों। राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो लखनऊ में है साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है और साथियों उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रहा है साथियों पंचा अमृत योजना चल रहा है। कौन सा योजना? पंचा अमृत योजना। अगला प्रश्न आपका है, किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है साथियों? तो हमास के हमले के बाद साथियों इजराइल ने क्या किया है? तो युद्ध का ऐलान कर दिया है। गाजा पट्टी पर हवास का वर्चस्व है और इसे इजराइल और अमेरिका जो है साथियों आतंकी संगठन मानते हैं। किसे? तो हमास को साथियों आतंकी संगठन मानते हैं और गाजा पट्टी पर किसका कब्जा है? हमास का साथियों। हमास ने हमले को अल अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया है। हमास ने हमला किया, इस हमला का नाम क्या दिया गया है? तो अल अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया गया है साथियों इस हमले को। और देखो, इजराइल हमले को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन ड्रोम से रोकता था साथियों, लेकिन इस बार करीबन 5000 रॉकेट हमास के तरफ से दागे गए, इस कारण से जो आयरन ड्रोम सिस्टम था इजराइल का ये असफल हो गया था। इजराइल ने साथियों इस युद्ध के लिए साथियों स्कॉट्स ऑफ आयरन युद्ध का ऐलान किया है। किसका ऐलान किया है? तो साथियों स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन युद्ध का ऐलान किया है साथियों इजराइल ने। देखो, हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था यह हमला यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने के बदला के लिए किया गया साथियों। देखो साथियों हमास ने यह हमला क्यों किया? हमास का कहना है कि इजराइल में जो अल अक्सा मस्जिद है इसको इजराइल ने अपवित्र कर दिया है, इस कारण से साथियों हमास ने क्या किया है? तो इजराइल पर हमला कर दिया। और इजराइल ने इस हमले के लिए कौन से युद्ध का ऐलान किया साथियों? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन युद्ध का ऐलान किया साथियों। अब साथियों ये जो यरूशलम साथियों यरूशलम में जो अल अक्सा मस्जिद है ये विवादित क्यों है? तो देखो, यहूदी यानी कि इजराइल साथियों क्या मानते हैं, ये यरूशलम को अपना घर मानते हैं और उनका साथियों दावा है कि जमीन में ईश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी। साथियों जमीन ने किसको सौंपी थी? जमीन जो था साथियों यरूशलम का इसलिए सौंपा गया था ईश्वर के द्वारा अब्राहम और उनके वंशज को। जबकि साथियों मुस्लिमों क्या कहना, मुस्लिम समुदाय साथियों क्या कहना है कि ये जो अल अक्सा मस्जिद साथियों है ये एक मस्जिद है, इस कारण से दोनों में क्या है? विवाद चल रहा है साथियों। अब इसराइल साथियों युद्ध में साथियों उलझा हुआ है तो इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम। इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसहाक हर्ज़ोग। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू साथियों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है, 13वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है साथियों? साथियों अपने प्यारे देश भारत ने जीता है पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल साथियों। देखो, अभिषेक वर्मा ओजस देवताले और प्रथमेश जावड़कर ने तीरंदाजी में जीता है गोल्ड मेडल, ज्योति सुरेखा अदिति स्वामी और परनीत कौर ने महिला में साथियों निशानेबाजी में जीता है गोल्ड मेडल साथियों। नीरज चोपड़ा ने 4 अक्टूबर 2023 को 88.88 मीटर की बेस्ट थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल साथियों को अपने नाम किया है। साथियों देखो, भारत ने 100वां मेडल जो जीता है वो महिला कबड्डी टीम ने जीता है साथियों भारत की तरफ से एशियन गेम में 100वां मेडल साथियों। देखो, एशियाई खेल साथियों 2023 में यह हो रहा है 2022 वाला, तो याद रखना इसमें दो ध्वजवाहक थी हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह में। साथियों ये पहली बार एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में, 19वां जो हो रहा है वो झोंगझोऊ चीन में हो रहा है।
साथियों शुभंकर था, तीन कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है। और साथियों ये जो एशियाई खेल होता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होता है। साथियों 40 खेलों में 481 प्रतियोगिताएं हुई इस बार और 45 देश साथियों इस गेम में शामिल हुए। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह है। भारत एशियाई खेलों में कुल अब तक 672 पदक जीता है जिसमें 155 स्वर्ण है, 201 रजक है और 361 क्या है 316 क्या है कांस्य पदक है। याद रखना 316 क्या है कांस्य पदक है। साथियों 19वां को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। साथियों देखो अगला प्रश्न हमारा है, क्लाउडिया गोल्डिन ने किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है? साथियों तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है साथियों नोबेल पुरस्कार। अब देखो ये जो साथियों है ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार जॉन फॉन्से ने 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है साथियों। पियरे फ्रेंकी और एनी ने साथियों नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में जीता है 2023 वाले। कैटालिन कारिको और ड्रू बिस्मैन ने साथियों चिकित्सा में जीता है नोबेल प्राइज। मोगी जी पावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव ने साथियों केमिस्ट्री के क्षेत्र में जीता है नोबेल पुरस्कार। साथियों नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने साथियों। साथियों स्वीडन के लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद यह पुरस्कार का पता चला था और 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार की राशि करीबन 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। साथियों यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर में साथियों इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में साथियों नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में। अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से जानते हैं। शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में मिलता है। साथियों शांति का नोबेल कहाँ मिलता है? ओस्लो में। और जो 5 बच गए साथियों कहाँ मिलते हैं? स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति? रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। एच चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। बी एस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था और वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में और अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है साथियों? तो सऊदी अरब के साथ। अब सऊदी अरब के साथ किया है तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाद। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। कौन है किंग? कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया साथियों और 9 अक्टूबर को ही भारतीय विदेश सेवा दिवस भी मनाया गया है। अब साथियों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को साथियों, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, 16वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो इसका आयोजन होगा बेंगलोर में और इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री साथियों पुरुषोत्तम रूपाला। तो साथियों कर्नाटक में साथियों इसका उद्घाटन कहाँ पे होगा? कोच्ची में होगा, कोच्ची में। और कोच्ची साथियों केरल में है। कहाँ पर है? केरल में साथियों। देखो साथियों कर्नाटक के बारे में जानते हैं साथियों, केरल के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि केरल के बारे में क्या क्या जानते हो। साथियों कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। साथियों मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक। साथियों देखो और भी नेशनल पार्क और अभ्यारण है जैसे कि सोमेश्वर अभ्यारण, तुभद्रा अभ्यारण, कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण कर्नाटक में है। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कर्नाटक में साथियों है। और कर्नाटक में कहाँ है? बेंगलोर में। साथियों पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। माल प्रभा परियोजना साथियों माल प्रभा नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर साथियों। मलय का देश किसे बोलते हैं? कर्नाटक को।
भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में है साथियों। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर में। एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा साथियों? तो नागापट्टिनम से साथियों भारत करेगा श्रीलंका के लिए नौका सेवा की शुरुआत। कहाँ से? नागापट्टिनम से साथियों। नागापट्टिनम से कर रहा है साथियों, तो आपको बताना है नागापट्टिनम जो है यह किस राज्य में है। अब श्रीलंका के लिए कर रहा है तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनमपुरम, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना साथियों। साथियों कल मैंने आपसे पूछा था राजस्थान के बारे में और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। साथियों आज आपको बताना है इस तीन प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपका है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।